This is DME and you are listening Radio Intersect. नमस्कार, आप सुन रहे हैं DME Intersect. अब वक्त हो चला है कार्यक्रम DME Talk का. आज DME Talk में हमारा मुद्दा है ट्रिपल तलाक. और इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस भंवर सिंह जी. और इनके साथ बात करी है BGMC सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स दिव्यानी राघव और सैयद फैसल ने. तो चलिए सुनते हैं. नमस्कार, मैं दिव्यानी राघव. नमस्कार, और मैं हूँ फैसल शब्बीर. देश में इस वक्त एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि ट्रिपल तलाक पर बैन सही या गलत, जिसमें सरकार और मुस्लिम वर्ग आमने सामने नजर आ रहे हैं. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है जिसमें बड़े ही साफ शब्दों में लिखा गया है कि ये संविधान के खिलाफ है. इस पर सरकार का ये कहना है कि ये धर्म का नहीं बल्कि बराबरी के अधिकार का मामला है और इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई ताल्लुक नहीं है. तो दर्शकों, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रिपल तलाक पर बैन सही या नहीं? आज चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं कानून और संविधान के जानकार जस्टिस भंवर, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं. सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि क्या ट्रिपल तलाक पर बैन सही या गलत? ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम समुदाय के अनुसार बहस की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये उनके पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है, परंतु ये कहना सही नहीं है क्योंकि ये मामला समानता के अधिकारों का है. मुस्लिम वर्ग की जितनी महिलाएं हैं, उन्होंने आंदोलन भी चलाया हुआ है, वो सभी चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक का जो एक कानून है उसको भारत में लागू ना रखा जाए, और इसलिए वो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ मानते हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और मौलवी साहबान हैं या दूसरे ऐसे लोग हैं. परंतु ये संविधान के मुताबिक सही होगा यदि इसको किसी दूसरे तरह से शेप दे दी जाए, इसको दिशा दे दी जाए, इसको ये ना कहा जाए कि इसको बैन किया जाए बल्कि इसको रेगुलेट किया जाए, इसकी दिशा को अच्छा कर दिया जाए तो बेहतर होगा. सर, जैसे कि आपने कहा कि मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं वो भी आंदोलन कर रही हैं, तो कई मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी ये बैन हो चुका है, पाकिस्तान तक में इसकी इजाज़त नहीं है, तो आपके ख्याल से भारत में ये क्यों है अभी तक और इस पर बैन क्यों नहीं लगा है? इस देश में भी जागरूकता आई है और सभी वर्ग के लोग ये चाहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी चाहते हैं जो बहुत अच्छे सिविलाइज्ड हैं, पढ़े लिखे अच्छे हैं, और हिंदू वर्ग के भी लोग चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में यानी भारत के संविधान में समानता का अधिकार आर्टिकल 14 के तहत है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए. ट्रिपल तलाक का हक केवल हस्बैंड को होता है और उसको इसलिए सही नहीं माना जा रहा है क्योंकि जैसे आपने कहा, दूसरे कंट्रीज़ में जिसमें बांग्लादेश हैं, ट्यूनिशिया हैं और श्रीलंका हैं, पाकिस्तान भी है, इराक है, अल्जीरिया है, सीरिया है, इजिप्ट है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इसको एक दूसरी दिशा दी गई है. ट्रिपल तलाक को एक ही तलाक करके माना जाता है, अगर किसी ने तीन बार तलाक कह भी दिया तो भी ये सारे कंट्रीज जिन देशों का नाम मैंने गिनाया है वो सब उसको एक ही तलाक मानते हैं. और इनमें ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये व्यवस्था लागू कर दी गई है कि जब भी कोई तलाक का मामला आएगा वो कोर्ट ही के जरिए तय होगा. ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जागरूकता पहले से चल रही है वो सब ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो है केवल कोर्ट यानी न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा ही डाइवोर्स दिया जाए. जस्टिस भंवर, क्या हमारे देश का कानून इस तरह के धर्म विशेष मामलों में दखलंदाजी कर सकता है? इसको धर्म के मामले में दखलंदाजी ना समझा जाए बल्कि इसको किया जाए कि उस धर्म की महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए इस ट्रिपल तलाक के कानून को एक नई दिशा दी जा रही है. उसको यहाँ पे जस्टिस बदरुद्द दिल्ली हाई कोर्ट में हुए हैं, उन्होंने भी एक व्यवस्था दी थी कि ट्रिपल तलाक को एक ही तलाक करके माना जाए और उसमें उसको अहसन और हसन दो तरह के तलाक होते हैं ट्रिपल तलाक के अलावा. पहले ये होता है कि एक बार तलाक दे दिया, एक बार तलाक कह दिया,
तो इद्दत के पीरियड तक उसमें इंतज़ार होता है और इद्दत का पीरियड पूरा हो जाने के बाद वो तलाक मान लिया जाता है। और हसन होता है जहां एक बार तलाक के बाद 3 महीनों में लगातार पति और पत्नी अलग रहें और उसमें फिर हर महीने तलाक की बात कही जाए, तब वो जाके 3 महीने बाद तलाक पूरा हो जाता है। तो 3 बार तलाक कहने वाले को भी एक ही तलाक मान लिया जाए तो उससे एक ये नई दिशा दी जाएगी, कोर्ट की व्यवस्था के थ्रू डाइवोर्स का प्रोसीजर अपनाया जाए तो वो अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, इसमें दखल अंदाजी का प्रश्न नहीं। अगर इसमें बदलाव हुए तो वो तो पार्लियामेंट की ओर से किए जाएंगे, तो जुडिशरी की इसमें क्या भूमिका रहेगी? देखिए, संविधान के अनुसार जुडिशरी का जो फर्ज है वो है किसी भी अधिनियम को लागू करना, और जैसा भी उसमें लिखा होगा तो उसी मुताबिक से उसको व्यवस्था दी जाएगी। जुडिशरी का रोल अहम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसका इंटरप्रिटेशन भी होता है। यदि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड आएगा, कोई असंवैधानिक व्यवस्था की जाएगी, तो न्यायपालिका को ये अधिकार होगा कि उसको गलत तकरीर दे, और यदि उसमें सब बातें सही हुई, एक अच्छी जैसे दूसरे देशों में व्यवस्था लागू है, यदि उसी तरीके से हमारी पार्लियामेंट ने कानून बनाया तो न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा जुडिशरी का ये फर्ज होगा कि उसको लागू करे। जस्टिस बाबर, मुस्लिम वर्ग की तरफ से ये तर्क प्रस्तुत हुआ है कि हत्या से बेहतर तलाक, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्या ये तर्क जायज़ है या नहीं? बिल्कुल ये जायज़ है कि हत्या ना की जाए, तलाक दे के पति पत्नी अलग हो जाएं और सुकून से रहें, बजाय इसके कि लड़ाई झगड़े के अंदर रहें या हस्बैंड गुस्से में आके पत्नी का कत्ल कर दे, तो व्यवस्था अच्छी नहीं मानी जाती। और यही सही होगा कि शांतिपूर्वक दोनों पति पत्नी अलग हो जाएं। जैसे कि आपने कहा कि ये बिल्कुल जायज़ है, तो महिलाओं को इसका हक क्यों नहीं है? महिलाओं को तो खूब हक है, ये कहना गलत है महिलाओं को हक नहीं है। खुला नाम से महिलाओं को अधिकार है कि यदि वो अपने जो मेहर होता है, डावर होता है, यदि उसको सरेंडर कर, यानी पत्नी यदि कहती है कि हस्बैंड से कि मुझे आपको 1 लाख रुपया मेहर देना था, मैं वो अपना मेहर छोड़ देती हूँ, तो वो खुला कहलाता है, यानी उससे उसको आज़ादी मिल जाएगी और पति उसको तलाक दे सकता है। तो ये पत्नी का हक है और वो उसे अपना इस्तेमाल कर सकती है। दूसरा, पत्नी को हक मुस्लिम लॉ के अंदर दिया गया है मुबारक, यानी दोनों आपसी सलाह मशवरे के अनुसार एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं। और तीसरा, जुडिशल डाइवोर्स एक्ट 1939 है, उसके तहत महिला को, यानी एक मुस्लिम पत्नी को, बहुत सारे अधिकार हैं जिनके आधार पर वो अपने पति से तलाक ले सकती है। नंबर एक, यदि पति 4 साल तक अपनी पत्नी से अलग रहे, रूपोश हो जाए यानी खो जाए या कहीं गायब हो जाए और ना आए, तो पत्नी को आज़ादी है कि वो तलाक न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा ले सकती है। इसके अलावा यदि पति में अपना फ़र्ज नहीं निभाया, कई महीने तक वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहा, उस सूरत में भी पत्नी को हक है कि वो तलाक ले सकती है। या पति इम्पोर्टेंट है, उस सूरत में भी पत्नी को हक है कि वो तलाक ले सकती है। इसके अलावा यदि पति किसी स्टेज पे पागल हो जाता है या उसको छुपा के शादी हो जाती है, पहले से ही पागल था, उस सूरत में भी जो है पत्नी को हक है, वो तलाक ले सकती है। और यदि कोई पति अपनी पत्नी पर क्रुएल्टी करता है, यानी उसको मारता है, पीटता है या उसके साथ और निर्दयता का व्यवहार करता है, तो भी पत्नी को हक है कि वो अपने पति से तलाक ले सकती है। एक और व्यवस्था है कि उसी एक्ट के तहत, उसी अधिनियम के तहत, कि यदि पत्नी पर एक कोई इल्ज़ाम लगाता है पति कि आप जो है एक दूसरे व्यक्ति के साथ रहीं और उसके साथ आपने जो है नाजायज़ संबंध बनाए, उससे भी एक हक मिल जाता है पत्नी को कि वो अदालत में जाके तलाक ले सकती है। यदि पति जो है वो कोई सजा हो जाए 4 साल की, तब भी जो है पत्नी को एक हक मिल जाता है कि वो तलाक ले ले, और एग्रीमेंट के द्वारा तो है ही, आपस में म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू तलाक ले सकते हैं। तो पत्नी को बहुत सारे आधारों पर, बहुत सारे उस जुडिशल डाइवोर्स एक्ट 1939 के तहत काफ़ी सारे अख्तियार हैं,
और वो उनका इस्तेमाल कर सके। जैसा कि हम सभी को जस्टिस भंवर ने बताया, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा जस्टिस भंवर, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश के मुसलमानों में ट्रिपल तलाक को लेकर कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है? क्या ऐसा कहना सही होगा कि कुछ नासमझ इंसानों की वजह से ट्रिपल तलाक की बहस का जन्म हुआ? यस, ये बिल्कुल सही है कि कुछ भ्रम है लोगों में, काफ़ी भ्रम है। और यदि कुरान को पढ़ा जाए तो कुरान में ट्रिपल तलाक का कहीं कोई हवाला नहीं है। जैसे कि अभी फैसल ने भ्रम की स्थिति की बात की, तो मैं बताना चाहूँगी कि कई उदाहरण सामने आ रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पर तलाक हो रहे हैं, लोग ईमेल के ज़रिए तलाक कर रहे हैं, पोस्ट कार्ड के ज़रिए तलाक हो रहे हैं। तो क्या इस दुरुपयोग की वजह से इस चर्चा की शुरुआत हुई या फिर कुछ और भी कारण हैं इसके? इसमें दुरुपयोग डेफिनेटली है। मेल से तलाक किसी शरीयत में लिखा है, किसी कानूनी पुस्तक में नहीं लिखा है, ना ही व्हाट्सएप पे तलाक दिया जा सकता है, ना ही टेलीफोन से तलाक दिया जा सकता है। ये सब नाजायज है, गैर कानूनी है। और मेल से तो कोई प्रश्न ही नहीं है, किसी भी तरीके से यदि तलाक होगा तो शरीयत के मुताबिक ही होगा। एहसन है, हसन है, दो तरह के तलाक हैं। जब सारे संसार में, मुस्लिम समुदाय में, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन सब में करीब 20 या 21 संख्या उनकी है, वहाँ ये हो गया है कि तीन तलाक कोई कहेगा भी तो उसको एक ही तलाक माना जाएगा। और एक तलाक जो है, क्योंकि कानून में है, कुरान में भी लिखा है, एक बार का तलाक, एक बार की तो व्यवस्था सभी धर्मों में है। तो इसलिए ये भ्रम की ही स्थिति है कि लोग टेलीफोन से तलाक दे देते हैं, ये गैर कानूनी है। ऐसा कोई तलाक जो है ना शरीयत में है, ना कुरान में है, और ना ही किसी संविधान में है, और किसी अधिनियम के तहत भी ऐसा तलाक गैर कानूनी। इस पर संविधान को और पर्सनल रूल को बैलेंस कैसे किया जा सकता है? पर्सनल लॉ को और संविधान को बैलेंस करने का तरीका है कि एक जागरूकता पैदा की जाए सभी में कि भाई संविधान तो सुप्रीम है, हमारे देश का संविधान, उसमें सभी समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको बराबर समानता के अधिकार हैं, संविधान के अधिकार हैं, और उसमें किसी का धर्म ऊंचा नहीं है, हिंदू भी नहीं ऊंचा है, मुस्लिम भी ऊंचा नहीं, सिख भी नहीं, सभी धर्म समानता का अधिकार रखते हुए संविधान के तहत हैं। यदि कोई किसी धर्म में कोई ऐसी चीज़ है जो संविधान से टकराती है तो संविधान सुप्रीम होगा, संविधान में ही तहत बातों को माना जाएगा। जैसे कि आपने संविधान की अभी बात की, तो क्या किसी धर्म विशेष के नियम संविधान से ऊपर हो सकते हैं या होने चाहिए? बिल्कुल नहीं हो सकते, संविधान सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, संविधान के तहत यदि कोई भी कानून बनता है और वो संवैधानिक है तो वो किसी भी धर्म के कानून से ऊपर हो। अरुण जेटली जी ने अपने ब्लॉग में ये लिखा था कि अगर पर्सनल लॉ हमारे संविधान के खिलाफ है तो उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। तो जस्टिस भंवर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप इस बयान के, जो उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है, आप इसके खिलाफ़ हैं या फिर आप इसको समर्थन करते हैं? नहीं, मैं तो उसका समर्थन यूँ करूँगा कि संविधान, उन्होंने बात बहुत सही कही है, क्योंकि संविधान ही भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सुप्रीम है, और उसी के तहत सब लोगों को रहना है। कोई धर्म यदि कोई उसके खिलाफ बात करता है, और वो बात उसके नागरिकों के भी खिलाफ है, यदि हिंदू लॉ में ही मान लिया जो है कोई ऐसा कहने लगे कि पत्नी को ये हक नहीं होगा, पति को केवल होगा, तो ऐसा क्यों होगा, जबकि हमारा कानून कहता है, हमारा संविधान कहता है कि समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 है, तो सबको बराबर बराबर अधिकार हैं। तो इसलिए जो है सभी के लिए संवैधानिक समानता है और संविधान ही सुप्रीम। अरुण जेटली जी का कहना बिल्कुल सही है। इस बात पे एक सवाल ये है कि क्या सरकार इसी के अनुसार चल रही है या सच में कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है? नहीं, टारगेट कहीं नहीं किया है, क्योंकि जन समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के पूरे वर्ग को इस डिबेट का और इस वैधानिक प्रक्रिया का लाभ मिलेगा कि यदि ट्रिपल तलाक को थोड़ी सी दिशा देकर, उसको अमेंड करके, उसको मोड़ करके, या यूनिफॉर्म सिविल कोड ही लाते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को थोड़ा सा ये भी भ्रमित किया जा रहा है कि वो किसी के पर्सनल लॉ में दखलअंदाजी है। पर्सनल लॉ में दखलअंदाजी ये नहीं होगी,
कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में या कोई भी ऐसा कोड आएगा उसमें ये नहीं लिखा जाएगा कि ट्रिपल तलाक बैन होगा या ट्रिपल तलाक मुस्लिम का जो है वो गैर कानूनी है, ऐसा कुछ नहीं आना आएगा। क्या कि तमाम भारत के जो नागरिक हैं उन सब को ये लागू होगा कि मैरिज के कानून, डाइवोर्स के कानून सबको बराबर बराबर लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्रीड, रिलीजन एंड कास्ट। तो इन सब के बावजूद जो है सबका एक ही कानून होगा, तो उससे जो है चाहे हिंदू की महिला हो, चाहे हिंदू का पति हो या मुस्लिम वर्ग के पति पत्नी हो, सबको एक ही समान अधिकार मिलेंगे और वो किसी धर्म में कोई दखलंदाजी नहीं मानी जाएगी। जैसे कि आपने अभी हिंदुओं की बात की, तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी संशोधन हुए हैं, तो ट्रिपल तलाक में या फिर ये जो कानून है इसमें संशोधन में इतनी बाधाएं क्यों? बाधा ये है कि चूँकि मुस्लिम समुदाय का जो पुरुष वर्ग है वो ये चाहता है कि ये हमारे ट्रिपल तलाक की प्रक्रिया जारी रहे, इसका कानून ये जारी रहे, और केवल वही लोग ऐसा कहते हैं, बाकी कोई नहीं कहते हैं। और जैसे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि लोगों में ये भ्रम ज़्यादा है कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखलंदाजी है, दखलंदाजी नहीं है, बिल्कुल दखलंदाजी नहीं है। रादर अपनी जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं उनको सम्मान के लिए, उनको समानता का अधिकार दिए जाने की व्यवस्था पर विचार हो रहा है, और जब वो भारत की नागरिक हैं तो उन्हें समानता का अधिकार मिलना ही चाहिए। जस्टिस बाबर, अगर ट्रिपल तलाक बैन कर दिया जाए तो क्या इससे सेक्युलरिज्म का जो अधिकार है वो भंग नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, उससे धर्म की कोई बात ही नहीं आती है, उसमें कोई मंदिर मस्जिद उसका कोई बात ही नहीं है। वो तो एक अधिकार मिलेगा, एक अधिकार मिलेगा हस्बैंड को, जो एक बहुत ये डिक्टेटोरियल एक अधिकार मिला है कि भाई तलाक 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 कह के और शादी का जो एक संस्था है ख़त्म कर दी जाए, बल्कि वो व्यवस्था मुस्लिम लॉ के अनुसार ही होगी। जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ में हमने पहले बताया, और हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये व्यवस्था दी है एक केस में कि तीन तलाक को एक ही तलाक माना जाए, और एक तलाक जो है वो कुरान के तहत है और उसमें जो शर्तें हैं उनको लागू किया जाएगा तो वो तलाक माना जाएगा। तो वो तो धर्म के अंतर ही आ जाता है, धर्म के तहत आ जाता है, उसमें धर्म का या सेकुलरिज्म का कहीं कोई बात ही नहीं है, उसमें सेकुलरिज्म को कोई धक्का नहीं लगेगा, सबको अधिकार रहेगा। लखनऊ के दशहरा महोत्सव में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बेटी को उनका अधिकार वे दिलाकर रहेंगे, फिर चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, तो मुस्लिम वर्ग इससे अछूता क्यों? उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही, उन्होंने सबके अधिकारों की समानता की बात, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, और इसलिए उनके जो बयान हैं उसको तोड़ मरोड़ के एक उसकी चर्चा की जाती है, मगर वो सब स्वार्थ के लिए है। लखनऊ के ऐशबाग में और यूपी के महुआ में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेटियों के अधिकार के बारे में बात कही। यूपी जहां अभी इलेक्शन सर पर है, तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि क्या इस मामले का राजनीतिकरण ज़्यादा होने लगा है, जिसकी वजह से वह जो मूल मुद्दा है वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया है? ये बात सही है, सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रही हैं, उसका मतलब लगा रही हैं, उसका अर्थ लगा रही हैं, और वो चाहती हैं कि ये हमारी जो व्यवस्था हमारी पार्टी दे उससे हमें लाभ मिल जाए, तो हम ऐसी व्यवस्था अपने देश को बताएं, तो उसमें राजनीतिकरण हो रहा है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, और मोदी जी ने कहा बेटियों का अधिकार दिला के देंगे, तो मुस्लिम बेटियों का भी अधिकार मिलेगा, हिंदुओं को भी मिलेगा, सभी की बेटियों को अधिकार मिलेगा, तो इसमें राजनीतिकरण की बात स्वार्थ है। आपके अनुसार ये धर्म विशेष की धार्मिक आज़ादी का मामला है या फिर महिलाओं के अधिकार का, और क्या इसको राइट टू इक्वालिटी से जोड़ना सही है? बिल्कुल सही है, ये धर्म का नहीं है, ये एक सभी महिलाओं का, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं का अधिकार दिलाने की वजह से किया जा रहा, इसमें ना कोई और राजनीति है
भाई अगर ट्रिपल तलाक को एक तलाक मान के या समानता का अधिकार मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को दिया जाएगा तो इसमें किसका फ़ायदा होगा? कोई दूसरे धर्म वालों को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिखों को क्या फ़ायदा हो जाएगा यदि मुस्लिम महिलाओं को बराबर और समानता का अधिकार मिल जाए? और समानता का अधिकार हमारे संविधान के मुताबिक है, तो इसलिए इसको ये कहना गलत है कि ये किसी और वजह से तलाक की बात की जा रही है। अगर ट्रिपल तलाक पर बैन लगा दिया जाए तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हमारे देश के मुसलमान हैं उनमें कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना पैदा हो जाएगी? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। असुरक्षा का तो कोई मतलब यूँ नहीं है कि उसका लाभ किसे मिलेगा। लाभ उसका केवल जो मिसयूज़ हो रहा है उस पर थोड़ी सी रोक लगेगी, जैसे व्हाट्सएप तलाक दे दिया, मेल से तलाक दे दिया, वो सब दुर्व्यवस्थाएँ हो गई हैं, उन पर रुकावट लगेगी। और बैन नहीं, उसको ये कहिए कि उसको नई दिशा दी जाएगी, कानून बना के उसको एक नई दिशा दे दी जाएगी, तब जो है इसको अमेंड करके और मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार के हिसाब से इसको लागू किया जाएगा। और एक आखिरी सवाल है मेरा जस्टिस भंवर सर से कि सर लॉ कमीशन ने हाल ही में लॉ मिनिस्ट्री के आदेश पर 16 सवालों का एक क्वेश्चनेयर जारी किया था जिसमें एक सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी था। एक तरफ ट्रिपल तलाक पर बहस चल रही थी और दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी बदलाव का जिक्र। इस पर हमारे मुस्लिम वर्ग के लोगों का ये कहना है कि ट्रिपल तलाक तो महज एक बहाना है, असल में हमारी सरकार तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है। ये जो तर्क मुसलमानों की तरफ से प्रस्तुत हुआ है सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा क्या आप इस तर्क से सहमति रखते हैं या नहीं? नहीं, ये तर्क बिल्कुल सही नहीं है। जैसा मैंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उसमें कोई ये नहीं आएगा कि ये मुस्लिम पे ही केवल लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सारे भारत के नागरिकों के लिए होगा और चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, और किसी भी समुदाय का हो, किसी कम्युनिटी का हो, वो ये नहीं होगा कि उसमें कोई मुस्लिम समुदाय पर कोई आक्षेप किया जाएगा या कुछ है, उसमें मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बिल्कुल नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत के सभी नागरिकों को, किसी भी धर्म का हो, उन पर वो समान रूप से लागू हो। अंत में आखिरी सवाल जो एक निष्कर्ष निकालेगा इस चर्चा का, वो यही सबसे बड़ा सवाल कि क्या ट्रिपल तलाक पर बैन सही या गलत, हाँ या ना? हाँ ही सही है, क्योंकि हम कानून के तहत, संविधान के तहत मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करना चाहते हैं, हमारा देश पूरा चाहता है और मुस्लिम समाज की महिलाएं स्वयं ये चाहती हैं। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है लखनऊ के तहत, वहाँ पे ये जब जिक्र हुआ, तो जब मैंने बात कही कि ये मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के हक में होगा, तो मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने बहुत देर तक अप्लॉज किया और मेरे बयान को समर्थन किया और कहा कि हमें ट्रिपल तलाक से फुर्सत मिलनी चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए, तो ये अच्छी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आशा करते हैं आप सभी को आपके सवालों का सही सही जवाब जस्टिस भंवर सर से मिल गया होगा। आज हमने यही खंगालने और जानने की कोशिश की कि क्या ट्रिपल तलाक पर बैन सही, और अगर हाँ तो कहाँ तक और क्यों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। तो भी आपने सुना कार्यक्रम डीएमई टॉक, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस भंवर सिंह जी ने हमसे ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बात करी, और इस कार्यक्रम के एडिटर थे रिदम अग्रवाल और प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव राहुल जोशी। दिस इज डीएमई, यू आर लिसनिंग रेडियो इंटरसेक्ट।